कन्नौज में किसानों की गेहूं खरीद न होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कभी प्रकृति की मार तो कभी फसल बर्बाद, प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। हमारा नाम राम गोविंद, कहाँ के निवासी राम गोविंद? अच्छा, क्या पर आए हैं आप अभी? कहाँ पर आए हैं? जनेरी सोसाइटी में। अच्छा, क्या समस्या है? अरे साहब, गेहूँ लाए थे पहली तारीख को, ट्रैक्टर किराए का है, 16 तारीख को बेटी की शादी है और आज तक को तुल नहीं पाया। अच्छा, तो आपको 10 दिन हो गए? 10 दिन हो गए आप यहाँ पर लेटे लेटे, आपको 10 दिन हो गए। कैसे शादी करेंगे अगर नहीं तुलता है? अच्छा अच्छा, बताओ जो भी समस्या। आपने प्रभारी जी से कहा? कहा था। क्या कह रहे? वो कह रहे तोल जाएगी तोल जाएगी, लेकिन आज तक नहीं तोला गया। जी, ये लंबी लाइनें किसानों को लगी हैं, क्यों लगी हैं? किसानों की लाइनें इसलिए लगी हैं कि जगह ना होने के कारण किसानों की लाइनें काफ़ी लंबी लगी हुई हैं। क्या समस्या आ रही? जो समस्या ये आ रही थी, कल मेरी आईडी बंद हो गई थी, तो आईडी खुलने के आदेश दिए गए कि आईडी आज खुल जाएगी और लगातार काम चलता रहेगा। कब से ये किसानों की तौल कब से नहीं हो रही है? किसानों की तौल कल से। किसानों को कहना, हम लोग चार चार पाँच पाँच दिन से लाइन लगाए हुए हैं, खड़े हुए हैं, रामाया तौल नहीं हो रही है, और जो केंद्र प्रभारी हैं 30 रुपये अलग से भी ले रहे हैं। ऐसा कोई संदेश नहीं है, 30 रुपये अलग से ले रहे हैं।